हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छा ही होंगे। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरा प्याज का पकौड़ी बनाएंगे। देखिए, ये मेरी मम्मी इसको कटिंग कर रही है। ये वाला दिखा दीजिए, देखिए इसको कटिंग कर रही है। काटिए, देखिए पकौड़ी में डालने के लिए हमने हरा मिर्च रखे हैं, इसको भी कटिंग करके इसमें ऐड करेंगे। डालेंगे मिर्च का भी कटिंग कर रही है, पकौड़ी में डालेंगे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने पकौड़ी के लिए प्याज की पत्तियों को अच्छी तरह से धो ली है। और अब हम इसमें कटी हुई मिर्च डालेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और फिर हल्दी पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर खाने का सोडा थोड़ा सा डालेंगे। देखिए खाने का सोडा थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद हम बेसन डालेंगे, थोड़े से आटा डालेंगे ताकि मेरा कुरकुरा हो जाए। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से। इसमें हम पानी डालेंगे, तब तक इधर हम अपना कढ़ाई गर्म होने दिए हैं। देखिए देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। इधर हमारा तेल भी लगभग गर्म हो ही चुका है, थोड़ा सा डाल के देखते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। नहीं, अभी गर्म नहीं हुआ है, और थोड़ा गर्म होने देते हैं। हो चुका है, अब इसमें हम और डालेंगे। मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें अब हम पकौड़े डालेंगे। इसको हम इस तरह बीच बीच में हिलाते रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, मेरा पकौड़ा अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको उठा लेंगे। देखिए सारे को इसी प्रकार से तल लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच में देखिए मेरा पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसको उठा रहे हैं। देखिए बन गया है। ये देखिए मेरी बाबू पकौड़ी खा के बता रही है
खा रही है और ये बताएगी कैसा टेस्ट है। बाबू कैसा लग रहा है, इधर देख के बताओ, खाने में अच्छा लग रहा है बेटा इधर? अच्छा लग रहा है ना? ओ जान लग गया, मान लगी। पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं और आप भी इस प्रकार का ट्राई करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा बना, और मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हर एक